विश्वास सारंग जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भाई ओम प्रकाश जी, हमारे मंत्रालय के बहुत वरिष्ठ अधिकारी और सचिव और मध्य प्रदेश कैडर के ही प्रशासनिक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पीके दास साहब, ठाकुर साहब और यहाँ पर मौजूद देश भर से आए हुए दस्तकार, शिल्पकार और कारीगर भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय शिवराज जी आपका बहुत बहुत नतमस्तक होकर के शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ आकर के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए हुए दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों, हुनरबाजों की हौसला अफजाई की है और मध्य प्रदेश के इस ऐतिहासिक धरती पर भोपाल में 27वां हुनर हाट हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वदेशी का जो संकल्प है, स्वावलंबन का जो संकल्प है, आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है, वोकल फॉर लोकल का जो आह्वान है, उसको पूरा करता हुआ हुनर हाट अपने शानदार और अपने जानदार सफर को तय करता हुआ मध्य प्रदेश में आपके नेतृत्व में चल रहे राज्य और सफलता के साथ और बहुत ही शानदार तरीके से समावेशी विकास के संकल्प को पूरा करता हुआ जो चल रहा है वहां तक पहुंचा है। आदरणीय शिवराज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, उनका धर्म शिल्पकारी है, कर्म दस्तकारी है और इबादत हुनर बाकारी है। इसमें सभी मजहबों के लोग हैं, हर क्षेत्र के लोग हैं, आपको केरला का भी मिलेंगे, आपको पांडिचेरी के भी होंगे, बंगाल के भी होंगे, पंजाब के भी होंगे, राजस्थान के भी होंगे, छत्तीसगढ़ के भी होंगे, मध्य प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है, त्रिपुरा के हैं, जहां के की दस्तकार शिल्पकारों की एक बहुत ही शानदार विरासत का ये अद्भुत इलाका और अद्भुत संगम दिखाई पड़ेगा। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे देश की जो दस्तकारी है, शिल्पकारी है, कारीगरी है, वो लुप्त हो रही है, उसका मुख्य कारण है उसे मौका नहीं मिल रहा है, मार्केट नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों ने दिल्ली में शुरू किया, उसके बाद हम देश के मुंबई के मरीन ड्राइव में, चाहे वो अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर, लखनऊ में, दिल्ली के इंडिया गेट पर, या देश के हर हिस्से में, मैसूर में, अद्भुत लोगों का की हौसला अफजाई हुई, लोगों की बहुत बड़े पैमाने पे लोग खरीदारी करते हैं, ऑर्डर्स देते हैं, जिम पोर्टल पर हुनर हाट है, ई प्लेटफॉर्म पर हुनर हाट है, और जो इनके मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर आप थोड़ा सा हमारे जो कुछ राज्यों के हुनर के उस्ताद हैं उनके सामान को और उनके जो काम करने का और उनके साथ एक एक दस्तकार के साथ 100-100, 60-60, 70-70 लोग लगते हैं और तब बनाते हैं। कोविड पीरियड में भी हमने कहा कि आप काम बंद मत करो, आपका जो भी आपने बनाया होगा वो सब के सब हम आपको गारंटी देते हैं कि सब के सब आपका बिकेगा और हुनर हाट में लगेगा। और जब हुनर हाट के थोड़ा कोविड पीरियड के बाद हुनर हाट हुआ तो वास्तव में अभी दिल्ली में जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खत्म हुआ है अभी, उसमें जो भी दुकानदार, जो भी दस्तकार, शिल्पकार जितने सामान लेके आए, 2 दिन में उनके सब खत्म हो गए। और मुझे भोपाल में जो हुनर हाट है वो मुझे पूरा यकीन है कि एक ऐतिहासिक होगा और हुनर के कौशल के कदरदानों का कुंभ साबित होगा। और शिवराज जी आपका आशीर्वाद मैं मानता हूं कि इन देश भर से आए हुए दस्तकारों, शिल्पकारों को बहुत ही हौसला अफजाई करेगा। इसमें 20 से ज्यादा दस्तकार, शिल्पकार मध्य प्रदेश के और उसमें छत्तीसगढ़ के भी इलाके के कुछ लोग हैं और इतने बड़े देश के अलग अलग हिस्सों से एक ही जगह पर हैं। ये एक आपको इलाका मेरा गांव मेरा देश दिख रहा होगा,
एक उधर जो है वो बावर्ची खाना है, उसका नाम है, जहां देश भर के हर हिस्से के आपको पकवान मिलेंगे। केरला का भी आपको खाना मिलेगा, पंजाब का भी आपको मिलेगा, आपको बिहारी लिट्टी चोखा भी मिलेगा। और मैं तो आपसे कहूंगा कि जरूर थोड़ा समय लेकर के इस मेरे गांव मेरा देश में भी आप, इनकी चाय बहुत अच्छी है, तंदूरी चाय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार शिवराज जी आपका, और जो माननीय दोनों मंत्री और आए हुए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि तोड़ना है हर पिंजरा, तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें जमी भर नहीं आसमान अभी बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री नकवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक ऐसी शख्सियत जो कि किसी भी परिचय की मोहताज नहीं, उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता ही नहीं है, वो जहां भी रहते हैं जिस कार्य को भी करते हैं पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में 4 बार का कार्यकाल उपलब्धियों और समावेशी विकास को समर्पित रहा है और अंत्योदय के संकल्प को साकार करने वाला रहा है। गड़गड़ाती हुई तालियों के मध्य आइए स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत बहुत अभिनंदन। भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, मेरे परम स्नेही मित्र और भाई जिनको सारा देश इज्जत की नजरों से देखता है, आदरणीय मुख्तार अब्बास नकवी जी, एक बार जोरदार तालियां बजा के नकवी जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। कोरोना काल था, बीच में आना नहीं हुआ, अब आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका अभिनंदन। और आप भी आए तो अकेले नहीं आए, हुनरमंदों को साथ लाए। और सचमुच में आपने सही कहा, हुनर ही इबादत है। हेलो, आपका स्वागत। भाई विश्वास सारंग जी जो पश्चिम बंगाल से चुनाव में लगे थे, इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से आए। हमारे एमएसएमई मंत्री जो ऐसे हर हुनर को सही मुकाम मिल जाए इसकी कोशिश कर रहे हैं, आदरणीय ओम प्रकाश सकलेचा जी, विभाग के सचिव आदरणीय पीके दास जी, ठाकुर साहब, यहां उपस्थित सभी वरिष्ठगण, और हमारे आर्टिजन कारीगर बहनों और भाइयों, ये भोपाल भी हुनरमंदों का शहर है और हुनर की कदर करना भोपाल जानता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सभी हमारे आर्टिजन, दस्तकार, शिल्पकार जो देश के कोने कोने से आए हैं, और नकवी जी ने ठीक कहा, हर मजहब हर जाति के लोग, अरे हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। आप सबका मैं केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल थोड़ी तकलीफ हुई होगी क्योंकि मौसम थोड़ा बेईमान हो गया था, आंधी बारिश तूफान, कुछ जगह ओलों की भी वर्षा हुई है। मैंने किसानों को भी आश्वस्त किया कि चिंता ना करें, फसलों के नुकसान का भी सर्वे करेंगे, मैं हूं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इंदाज साहब, आपकी टीम ने रात भर में फिर सब कुछ जैसा का तैसा खड़ा कर दिया, कितना सुंदर दृश्य है। करीने से सजे हुए हुनरमंदों के तरह तरह के उत्पाद, और उसमें बावर्ची खाना भी है। अरे तंदूरी रोटी तो हमने सुनी थी, ये तंदूरी चाय पहली बार सुन रहे हैं जनाब, लेकिन आपका हुक्म हुआ ना तंदूरी चाय पी के जाया जाएगा। देखिए हमारे प्रधानमंत्री
मैन ऑफ आइडियाज, और उनका एक संकल्प जो कोरोना काल में उन्होंने लिया, आपदा को अवसर में बदलना वे जानते हैं। कोरोना काल में उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत, जब उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत तो हम कोरोना ही में थे, अस्पताल में, हमने अस्पताल से ही तय किया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। और जब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात करेंगे, भारत की बात करेंगे, लोकल को वोकल की बात करेंगे, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा और नकवी जी उसको अच्छा सा जमीन पे नीचे उतार रहे हैं, तो लोकल से वोकल बिना कारीगरों के नहीं बन सकता, बिना दस्तकारों के नहीं बन सकता, बिना हुनरमंदों के नहीं बन सकता, और लोकल को वोकल बनाने वाले। और नकवी जी आपको इसलिए धन्यवाद कि जैम हो, ई पोर्टल हो, सब पे अब हुनरमंदों के उत्पाद है, और मुझे पता चला कि इस हुनर हाट के कारण उनकी बिक्री कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। कला है, हुनर है, मौका मिल जाए, बस अवसर मिल जाए, ये हुनर हाट ऐसे कारीगरों को, दस्तकारों को, शिल्पकारों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। मैं भोपालवासियों से अपील करना चाहूंगा, मध्यप्रदेश के लोगों से अपील करना चाहूंगा, देश भर से 31 राज्यों से लोग यहां पधारे, आप उनकी कला देखने जरूर हुनर हाट में आइए, जरूर हुनर हाट में पधारिए। देखो हमारे पास कोई कमी नहीं है। जब पश्चिम में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब जब कुछ पश्चिम के देशों के लोग अपने शरीर को पेड़ों के पत्तों से ढका करते थे, तब वहां हमारे यहां मलमल वाला ढाका था। यह आश्चर्य नहीं, शताब्दियों पहले से हुनर हमारे हाथों में, कला के कुशल चितेरे अपनी अकल से हमने ऐसे उत्पाद बनाए कि लोग आज भी आश्चर्य करते हैं। अब ये हुनर हाट में जब हम देखते हैं, निश्चित तौर पर भाषण की लंबे जरूरत नहीं है, हम भी देखेंगे, लेकिन नकवी जी कोरोना में तो ये हुनरमंदी हमारे काम आई। मैं तो मुख्यमंत्री बना तब तक कोरोना आ गया था, और जब हमें मास्क की और पीपीई किट की और बाकी चीजों की जरूरत पड़ी तो हुनरमंदों ने कहा कि चिंता मत करो, हम बना देंगे, कोई चिंता की बात नहीं। तब झगड़े होते थे कि पीपीई किट कैसे मिल जाए, लेकिन उस समय भी हमारे कलाकारों ने अपना काम जारी रखा, और यह अद्भुत हाथ ऐसे सब कलाकारों की कला की कदर करता है। 27वां आयोजन है ये, लेकिन अग्नि जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हर साल ये हुनर हाट एक बार लगना चाहिए हर राज्य में, अलग अलग जगह हो सकते हैं, इस बार भोपाल में लग जाए, अगली बार इंदौर में लग जाए, कभी जबलपुर में लग जाए, ग्वालियर में लग जाए, क्योंकि ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, और ये अलग भाषा अलग देश, फिर भी अपना एक देश, उसको इकट्ठा करने का भी कार्यक्रम है। तमिलनाडु हो, केरल हो, कर्नाटक हो, जम्मू कश्मीर हो, पश्चिम बंगाल हो, आप पूर्वोत्तर आसाम हो, गुजरात हो, सारे राज्यों के लोग यहां आए हुए हैं, हमें मिलने जुलने का मौका भी देता है, एक दूसरे से सीखने का अवसर भी प्रदान कराता है, और इसलिए आत्मनिर्भर भारत को बनाने का एक नया प्लेटफॉर्म है आत्मनिर्भर कारीगर, आत्मनिर्भर दस्तकार,
और ये मिलकर काम करेंगे तो लाखों लोगों को रोजगार आपने दिया है, इसके और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में आपके इस प्रयास का अभिनंदन करता हूं। ये हुनर हाट स्वदेशी निर्मित उत्पादों का प्रमाणिक ब्रांड भी बन गया है, ब्रांड भी बन गया है, सचमुच में ब्रांड है। देश में बिके लेकिन दुनिया में भी अपना सामान बेचे और अपनी कला का लोहा मलवाए मनवाए। मैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आश्वस्त करता हूं आदरणीय नकवी जी, मध्य प्रदेश की सरकार भारत सरकार के इस प्रयास के साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं आज इसलिए भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बिना कुछ कहे बिना कुछ ढिंढोरा पीटे मध्य प्रदेश को पिछले साल 358 करोड़ की अलग अलग योजनाओं में स्वीकृतियां जारी की है। आवासीय विद्यालय, गांधी मेडिकल कॉलेज का उन्नयन, यूनानी कॉलेज में भोपाल के 180 सीटर कन्या छात्रावास, खंडवा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्मार्ट क्लास, इन सब के लिए आपने 358 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश को दी है। तालियां बजा के नकवी जी का स्वागत कीजिए। और हमारे 1,61,000 710 बच्चों को नकवी जी, जो हमारे अल्पसंख्यक बेटा बेटियां हैं, जो हमारे बारे में गलत फहमी फैलाते हैं वो भी सुन लें, 1,61,710 विद्यार्थियों को प्री मोड मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मींस की स्कॉलरशिप आपने प्रदान की है। मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं। एक बार मैं फिर आप सबका हुनर हाट में हृदय से स्वागत करता हूं, नकवी जी का स्वागत करता हूं, आपके हौसले को प्रणाम करता हूं। एक आइडिया आया, आपने जमीन को उतार दिया, मैं अकेला ही चला था जान में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। हुनरमंदों के कारवां को बढ़ाते रहिए, मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सच में ही क्राफ्ट क्विजीन और कल्चर का एक अद्भुत संगम, जहां हुनर ही इबादत है, ऐसा है हुनर हाट। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आप हमारे बीच यहां पर पधारे, श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री पीके ठाकुर जी से कि वे कृपया आए और धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। श्री पीके ठाकुर, अध्यक्ष मंच। मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री जी, मान